आज आपको मैं ना इनकी लीलाएं सुनाता हूँ। सबसे पहले आप जल्दी से इनके बिफोर लुक के आप दर्शन करो, फिर आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए, इनका थोड़ा थोड़ा पेंट उतरा हुआ है और इन ये भी बाहर से आए हुए हैं, इनका भी श्रृंगार करना है। तो चलिए हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। ये जो श्रृंगार है जन्माष्टमी से पहले का है, और आपको ये बता दूं कि इनकी लीलाएं, इनके बिल्कुल ही सामने मैं श्रृंगार कल करके आया था, तो इनको नहीं सामने वालों को, इनके सामने वालों को नहीं पता था कि मैं वहाँ पर श्रृंगार करके आया हूँ। उनके सामने ही ये घर है, तो इन्होंने मेरा नंबर लिया था यूट्यूब से। तो मैं इन्होंने मेरे को बुलाया कि भैया इमरजेंसी है, मेरे बाहर से आए हैं रिलेटिव्स, उनके उन्होंने श्रृंगार करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बेफिक्र हो जाइए, मैं कर जाऊंगा, थोड़ा सा इमरजेंसी। मैं कहा ठीक है, अगर उन्होंने वापस जाना तो मेरे को भी ये होता कि चलो श्रृंगार करके फिर ही जाएँ। तो मैंने इनके जब मैंने लोकेशन देखी और मैं जब पहुंचा तो मैंने कहा कि आपके सामने तो मैं कल करके आया हूँ। वो इतना हंसे, कहते ओ हो, आप मेरे को कल पता होता तो मैं कल ही करवा लेती। तो मैं कहा कोई बात नहीं मैम। तो फिर मैंने ये ऐसी ऐसी लीलाएँ करते हैं। गोपाल जी को फिर मैं मिला, ये देखे कितने अच्छे अच्छे मतलब बहुत नटखट तो है ही। तो फिर जब एक नेबर के हैं, एक बाहर से आए हैं, तो एक इनके रिलेटिव्स के हैं, तो तीनों का ही श्रृंगार मैं कर रहा हूँ। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार होने वाला है, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है श्रृंगार में। तो सबसे पहले आपको ये पता है, हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि हे प्रभु, श्रृंगार से पहले की बात कर रहा हूँ, हे प्रभु कहीं और विराजमान कर लीजिए आज आपका श्रृंगार होना। ये प्रार्थना करके हम कोई भी श्रृंगार स्टार्ट करते हैं, चाहे वो मेटल के हैं, चाहे वो संगमरमर के हैं, चाहे लोहे के हैं, चाहे प्लास्टिक के हैं, चाहे कोई भी भगवान की प्रतिमा है, हम ऐसा ही करते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है प्रतिमाएं, तो वो हमें कहना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि प्राण निकल के कहीं और, जैसे घर पे कहीं पे भी कहीं भी प्रतिमा में बैठ जाते हैं, तो उसमें जब श्रृंगार हो जाता है तो ये बोलना पड़ता है कि हे प्रभु, फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, हे प्रभु आपके बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, प्लीज़ आप विराजमान हो जाइए अपनी प्रतिमा में। सो वो ऐसे हम बोल के फिर वहाँ से आते हैं। सो ये प्रार्थना बहुत बहुत ज़रूरी होती है, कि कोई भी श्रृंगार कर रहा है, कोई सीख रहा है श्रृंगार, या कोई श्रृंगार कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये श्रृंगार बहुत प्यार से मन से करता हूँ, तभी तभी इतने मतलब इतना प्यार मिल रहा है YouTube से, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल रहे हैं YouTube से, और हमें क्या चाहिए। तो बहुत सारे भक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं YouTube से। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा कि मुझे व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे प्ले बटन चाहिए, फलाना चाहिए, ढमकाना चाहिए। तो मैंने को जब मेरे से क्लाइंट आते हैं ना YouTube से, मुझे इतनी खुशी होती है। मैं कहा मेरे साथ अब मेरे को होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स जुड़े, YouTube व्यूज़ तो आ ही जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, कान्हा जी कृपा करेंगे, सभी प्ले बटन्स आ जाएंगे, गोल्डन सिल्वर सब आ जाएंगे, कृपा हो ही जानी है। तो ये है, इनके साथ रहते हैं ना बंदा पॉजिटिव ही रहता है। आप घर से जैसे मर्जी, आपका मन उदास है या कैसा है, हर दिन ऐसा अच्छा नहीं होता है, तो उदास होता है कई बार, तो जब इनको मैं पकड़ता हूँ, इनके लीलाएं सुनता हूँ, तो सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कहा कि प्रभु बस आप ही का सहारा है, ये कह के फिर मैं श्रृंगार स्टार्ट करता हूँ अपना। अपने दुख दुख हर के अपने अपने दुख दर्द होते हैं, तो सब इनकी स्माइल देख के मतलब भूल जाते हैं। तभी मैं बोलता हूँ कि इनके श्रृंगार बिल्कुल पानी से जल से करिए, ताजो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्नान इनका श्रृंगार बरकरार रहे। लोग क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के नहला देते हैं, मतलब अच्छे से नहला देते हैं, उनका श्रृंगार ही उतार देते हैं जल्दी से जल्दी। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि आप जल से स्नान कराइए और सॉफ्ट कपड़ा यूज़ कीजिए सुखाने के लिए। और एक और बात बता दूं कि जब भी आप इनके वस्त्र पहनाते हो, वस्त्र बहुत प्यार से पहनाइए, जल्दबाजी मत करिए। कोई वस्त्रों के साइड में गोटा लगा होता है कई बार, बहुत तीखा एक्सेसरीज लगी होती हैं, वो ध्यान से पहनाइए, वो स्क्रैच ना पड़ जाए इनके पेंट पर। चलो आपको दर्शन करवाते हैं लड्डू, तीनों लड्डू गोपाल जी, बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। ये देखिए पलकें बनी हैं, इतने प्यारे कोमल से 3D आईज बनी हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं दोनों लड्डू गोपाल जी। अगर आपको ये श्रृंगार पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सभी को ब्लेसिंग ब्लेसिंग, सभी को राधे राधे।